हेलो एंड वेलकम, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। खैर मकदम है, मैं मोहम्मद मुदस्सिर आलम। आज 23 नवंबर 2020 है। आज तक के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रांस टेस्ट सीसर 2020 में शामिल 18 यूनिवर्सिटीज़, जिसमें 4 स्टेट यूनिवर्सिटी और 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनके सारे लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट जानकारी के साथ मैं इस खास वीडियो में हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या अपडेट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ की। यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, आप इन लिंक्स को क्लिक कर देख सकते हैं, जहाँ आपको ताज़ा जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लिक या टैब को क्लिक कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार से। यूनिवर्सिटी के एडमिशन पेज को आप देख सकते हैं, कल यानी 22 नवंबर 2020 तक यूजी, पीजी और पीजी डिप्लोमा प्रोग्राम्स की एडमिशन की आखिरी तारीख थी। डेट एक्सटेंड हुआ था 18 नवंबर से 22 नवंबर तक। उम्मीद करते हैं आज या कल तक यूनिवर्सिटी की प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट आ जाएगी, जो समर्थ पोर्टल साथ ही साथ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। इसके अलावा यूनिवर्सिटी के पीएचडी के इंटरव्यूज शुरू हो रहे हैं, आप इस लिस्ट में देख सकते हैं। डेट वाइज सारी लिस्ट दी गई है, अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आपको इंटरव्यू में अपियर होना होगा। आपको यह बता दें कि इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट जिनका नाम इस लिस्ट में है उनको पर्सनली यूनिवर्सिटी आना पड़ेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब पीएचडी और पीजी एडमिशन के फिलहाल कोई नई नोटिस नहीं आई है। यूनिवर्सिटी के एडमिशन पेज को आप देख सकते हैं। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान 22 नवंबर लास्ट डेट था पीएचडी रजिस्ट्रेशन का, यूनिवर्सिटी ने फिलहाल कोई नई नोटिस जारी नहीं की है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की तरफ से भी कोई नई नोटिस जारी नहीं हुई है। हेल्प डेस्क के नंबर ईमेल आईडी को आप देख सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रक्रिया चल रही है, फिलहाल कोई नई नोटिस नहीं है। जो भी लिंक्स यहां पर हैं इन लिंक्स को आप क्लिक कर सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन काउंसलिंग लिंक, ये लिंक है, इसको जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑनलाइन काउंसलिंग का पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको लेटेस्ट जानकारी मिल जाएगी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा की भी कोई नई जानकारी, कोई नई अपडेट नहीं आई है। पुरानी ही अपडेट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका यूनिवर्सिटी के होम पेज को आप देख सकते हैं, जब आप फ्लैश न्यूज़ व्यू ऑल को क्लिक करेंगे तो आपको लेटेस्ट जानकारी मिलेगी। कोई नई जानकारी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एडमिशन के रिगार्डिंग उपलब्ध नहीं है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला एडमिशन टैब पर आप देख सकते हैं यूजी पीजी एडमिशन, साथ साथ पीएचडी एडमिशन, कोई नई जानकारी यूनिवर्सिटी की तरफ से नहीं दी गई है। फर्दर एडमिशन प्रक्रिया को लेकर आपको वेट करना पड़ेगा। आप चाहें तो यूनिवर्सिटी को डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ये फ़ोन नंबर है, साथ ही साथ ये ईमेल आईडी है जिस पर आप ईमेल कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के एडमिशन पेज को आप देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई नई जानकारी अभी फिलहाल नहीं दी गई है एडमिशन के रिगार्डिंग यूजी पीजी या पीएचडी प्रोग्राम्स के लिए। सेंट्रल यूनिवर्सिटी तमिलनाडु के एडमिशन पेज को देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी ने कोई नई जानकारी नहीं दी है फर्दर यूनिवर्सिटी में एडमिशन प्रक्रिया के लिए। अगर आप चाहें तो हेल्प डेस्क नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर आप ईमेल कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के होम पेज को आप देख सकते हैं, लेटेस्ट जानकारी फिलहाल कुछ है नहीं है। जो भी जानकारी है इस पेज पर उपलब्ध है, आप रीड मोर टैब को क्लिक कर सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू के एडमिशन पेज को देख सकते हैं, कोई नई जानकारी यूनिवर्सिटी की तरफ पिछले 24 घंटे में नहीं आई है। जो भी जानकारी वो पुरानी जानकारी, हेल्प डेस्क नंबर आप देख सकते हैं, इस नंबर पर आप कॉन्टेक्ट कर सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश की तरफ से भी कोई नई जानकारी नहीं दी गई है, पुरानी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी के होम पेज पर उपलब्ध है। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जो कि असम में है, इसके तरफ से कोई जानकारी नहीं है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट फिलहाल डाउन है। स्टेट यूनिवर्सिटी में बेंगलुरु डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की तरफ से भी कोई नई जानकारी नहीं आई है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस, पुरानी जानकारी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर उपलब्ध है, इस लिंक को क्लिक कर आप फर्दर सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कलिकोटी यूनिवर्सिटी बहरामपुर यूनिवर्सिटी की तरफ फाइनल राउंड ऑफ काउंसलिंग का एडमिशन की नोटिस आई है, इस लिंक को क्लिक कर आप सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और आखिर में बाबा गुलाब शाह बासे यूनिवर्सिटी जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से भी कोई नई जानकारी सीयूजेड के थ्रू एडमिशन के लिए नहीं आई है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको काउंसलिंग एडमिशन के रिगार्डिंग जो भी आपके जहन में सवाल आ रहे थे, जो भी कन्फ्यूजन थे, जो डाउट्स थे, उन सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या फिर आप हेल्प डेस्क पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन को जरूर दबाइए।
ताकि कोई भी नई अपडेट, कोई भी नई जानकारी सीएसएट के रिगार्डिंग मैं इस चैनल पर अपलोड करूँ, उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल। ऑल द बेस्ट फॉर योर करियर, ऑल द बेस्ट फॉर एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ योर चॉइस। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन।